नगर की इस धरती पर आप लोगों के समक्ष बिहार का नेता कैसा हो, आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण विषय रखने आया हूं। आप सब जानते हैं कि अगले साल इस वक्त तक बिहार में विधानसभा के चुनाव हो गए होंगे और वो विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। अगले साल इस वक्त तक नई सरकार का गठन हो गया होगा और वो सरकार हम लोगों के भविष्य से जुड़ी नीतियों का निर्माण कर रही हो। ऐसे में यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों के बीच कि जरूरी है हम लोगों को ये जानना, ये पहचानना कि कौन सही मायनों में हम लोगों के लिए कार्य कर, किसकी सोच से बिहार का वो विकास हो सकता है जो अभी तक अपेक्षित था। आज जहां एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, आज हम लोग को गर्व होता है जब हम लोग ये कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो इस अर्थव्यवस्था का, इस मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ भारत के हर एक प्रदेश में मिलेगा। तो में राजस्व बनता है, उस राजस्व का लाभ हर जिले को होता है क्योंकि जिले में परियोजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है और उसका लाभ हर गरीब व्यक्ति को होता है क्योंकि हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार जिसमें मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोग किस तरीके से बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर। आज हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए जहां एक तरफ शौचालय बनाने का काम किया तो वहीं उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हर घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन भी पहुंचाने का काम किया। इससे पहले अगर हम लोग के घर में कभी कोई बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, महिलाओं को अपने घर से कहने के भी रखने पड़ते थे, पर आज क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, हमारी एनडीए सरकार की सोच है कि आज भगवान न करे पर अगर घर में कोई बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध हमारी केंद्र सरकार ने किया। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो क्या कारण रहा कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने तो वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी विकास की राह पर पीछे। इसको किस तरीके से हम लोग और मजबूती दें उस दिशा में, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं। ये वो डबल इंजन की सरकार जो अपने राज्य को मजबूती देने के लिए एक के बाद एक गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है जिससे गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सके, जिससे उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके जो आजादी के 75 साल के बाद अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। मेरा सपना है दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि क्यों कोई दिल्ली का लड़का बिहार नहीं आता रोजगार करने, या क्यों कोई बंबई का लड़का
या लड़की बिहार नहीं आते शिक्षा की शिक्षा हासिल करने के, क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के, स्वास्थ्य सेवाओं के। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने का प्रयास कर रहा है। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही हम लोग को रोजगार के अवसर दें, अपने जिले में, अपनी विधानसभा में, संभवतः अपने प्रखंड में हम लोगों को वो सुविधाएं मिले, ताकि बिहार के किसी युवा को दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े रोजगार के, बिहार के किसी छात्र को दूसरे राज्य ना जाना पड़े शिक्षा के लिए। इस सोच के साथ चाहे एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, तो वही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भी इस प्रारूप को तैयार कर रहा है कि किस तरीके से हमें हमारे जिले में ये सारी सुविधाएं मिले। दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक हम लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे डॉक्टर से मिलने के, पर आज बिहार में अपना एम्स और एक नहीं दूसरा, तो दरभंगा में अभी पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे जिसका शिलान्यास करकर। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया, क्योंकि कई विपक्षी दल के नेता उनके गठबंधन के साथ ही भी आएंगे आप लोगों के बीच, अलग अलग बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर पूछिएगा इन लोगों से, ये वही कांग्रेस राजग के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे, आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, इनके गठबंधन वाली सरकार रही। पूछिए इनसे क्यों नहीं तब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा, पूछिए बिहार में जो लोग लगातार सत्ता में रहे, एक परिवार के दो दो सदस्य मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बिहार विकसित राज्य बने, जबकि ये वो दौर था, राजद का वो समय था जब बिहार से सबसे ज्यादा पलायन, बिहार के लोगों को मजबूर किया गया अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने के। ऐसे में आज जब ये लोग आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो पूछेगा इन लोगों से कि गरीब कल्याण के लिए क्या किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को बांटने का काम किया, कभी जातीयता के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, ये वो लोग हैं जो जातीयता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, अपने समीकरण बनाते हैं, MY समीकरण बनाते हैं, मेरा भी एक MY समीकरण है, पर मेरे MY समीकरण में ना जातीयता है ना सांप्रदायिकता है, मेरे MY समीकरण में जहां मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो वहीं Y से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर, जहां समावेशी विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम लोग एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसमें हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी बदहाली में जी, हर उस व्यक्ति को हम लोगों को आगे लाना होगा जिसके पास आज भी बुनियादी जरूरतों का अभाव है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर, और मैं चाहता हूं कि इस सोच में मुझे आप सबका साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विकसित बिहार को बनाने का एक प्रारूप, एक ऐसा संकल्प पत्र है जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में आपको हर सुख सुविधाएं, आपको अपने गांव में, आपको अपने प्रखंड में, आपको अपनी पंचायत में मिले, इस दिशा में ये संकल्प पत्र कार्य करने का विश्वास दिलाता है। और मैं खुद चाहता हूं, बिहारी हूं, मैं चाहता हूं कि देश के सबसे विकसित राज्य में बिहार गिना जाए। इस सोच के साथ दिन रात मेहनत करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लेकर आ सके। पर मैं ये भी जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता,
चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव घर घर जाकर आपको बिहार फौज और बिहारी फौज के बारे में बताना होगा। बनिएगा चिराग पासवान, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर बताए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों आप लोग घर घर जाकर बिहार फौज बिहारी फौज के बारे में बताए, और ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ, सर पे कफन बांध के निकला हूँ, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। इसी क्रम में साथियों, इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास अपना विस्तार कर रहे, बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग विधानसभाओं से ऐसे मजबूत साथी जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हो, जो बिहारियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, ऐसे साथियों को हम लोग अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस क्रम में भाई विजय यादव जी ने मजबूती से अपना साथ देने का वादा किया, और आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास परिवार में आज ये शामिल हुए, आज मजबूती से ये पार्टी का हिस्सा बने। लंबे समय से इनके कार्यों की जानकारी मुझे प्राप्त होती है, लंबे समय से अलग अलग लोग अलग अलग समय पर आकर इनके द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों की जानकारी देते, शादी ब्याह दिन त्योहार किसी के घर बीमारी इलाज करवाना हर विषय बढ़ चढ़ कर इन्होंने इसे जितना मन पड़ा उससे ज्यादा योगदान देने का इन्होंने कार्य किया। मुझे खुशी है ऐसे लोग जो बिना किसी लालच के अपने क्षेत्र के अपने लोगों के लिए तत्परता से कार्य रखने की सोच रखते हो, ऐसे लोग ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आप लोग भाई विजय जी का यहाँ पर स्वागत करें। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ, क्योंकि उस वक्त उस विभाग के मंत्री होते, देश में नहीं दुनिया में कोरोना की महामारी चल रही थी, उस वक्त मेरे नेता मेरे पिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, उनको चिंता इस बात की थी कि जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अलग अलग प्रदेशों से अपने गांव आने के लिए मजबूर है, उनको दो मंथ की रोटी कैसे मिलेगी। उस वक्त मेरे पिता ने खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद दिन रात लगकर इस योजना को तैयार किया, और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलके इसको लागू करवाने का काम किया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना बनी, जिसको हम सब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जानते हैं, जिसके तहत आज भी मेरे पिता के जाने के 4 साल के बाद भी आज भी इस योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी अपनी सोच है, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प रखा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो उसी संकल्प को मजबूत आवाज देता हुआ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आगे बढ़ने का काम कर रही है।